मेरे एग्जीबिशन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो आप सबके लिए शेयर कर रही हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कहाँ से मंगवाई हैं, कितने का आया है, आप भी मंगा सकते हैं। क्योंकि एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ तो सॉरी, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं शेयर कर सकती और जिस भी कंडीशन में हूँ उसी कंडीशन में आपके सामने आकर के वीडियोज़ बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स आया है जिसे मैंने अमेज़न से मंगवाया था, क्योंकि बहुत अच्छे बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये बॉक्सेस मिल रहे थे। और ये बॉक्सेस मैंने स्पेशली चॉकलेट की पैकिंग के लिए मंगवाया, क्योंकि इस तरह के कैन बॉक्सेस जो होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं चॉकलेट पैकिंग के लिए। ऑलरेडी वो पूरी तरह से इतने अच्छे कंडीशन में होते हैं कि उनको आपको फिर से कुछ और पैकिंग करने के लिए यूज़ नहीं करना, सिर्फ आप अपने फॉर्म का स्टिकर या ऐसा कुछ लगा सकते हैं, जैसे राखी के लिए मैं कर रही हूँ तो राखी का एक टैग लगा सकती हूँ मैं उसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं पिंक कलर का एक छोटा सा कैन बॉक्स है, स्मॉल साइज़ में मैंने मंगाया था। इसके 3 साइज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। तो इसका जो रेट है वो भी बहुत बढ़िया मुझे मिला था। जनरली ये काफ़ी हाई रेट में मिलता है। तो इसे टोटल 10 पीसेस का ये सेट है, बहुत ही प्यारा कैन बॉक्स आया था। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ये कैन बॉक्स। ये देखिए, पूरा जो कैन बॉक्स है ये जो पेपर होते हैं, पेपर वाला कैन बॉक्स है, सिर्फ इसके ऊपर और नीचे में 10 लगे हुए हैं। तो चॉकलेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के चॉकलेट्स बना रहे हैं तो मिक्स फ्लेवर आप छोटे बॉक्सेस में पैक करें। एग्जीबिशन के लिए सबसे मेन टिप यही है कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस ज़्यादा प्रिपेयर करें तो उसे सेल करना ईजी होता है, क्योंकि हर कोई बड़े बॉक्स नहीं लेता। कुछ बड़े हैम्पर्स और बुके वगैरह भी मैं वहाँ पर रखने वाली हूँ, जिसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके साथ मुझे देखिए हैप्पी रक्षाबंधन का एक टैग मिला था, जिसमें जो न है वो टूट गया है, तो वो मैं फिर से उसमें चिपका लूँगी। तो ये एक बॉक्स मैंने मंगाया था। और दूसरा एक और अनबॉक्सिंग साथ में ही आपके लिए मैं यहाँ पे ये दे रही हूँ। ये है एक बहुत ही बढ़िया सा मोल्ड, मुझे ये मोल्ड पर्सनली बहुत पसंद है, बट मेरा जो मोल्ड था वो गिर कर टूट गया था, इसलिए मैंने ये मोल्ड फिर से ऑर्डर किया था। ये भी अमेज़न से ही मैंने मंगाया था, बेकर्स वेले का ये प्रोडक्ट है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक मोल्ड आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, पॉलीकार्बोनेट का मोल्ड है। अभी रिसेंटली मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी आप सबके साथ शेयर की थी, तो वही मोल्ड मैंने फिर से मंगाया। देखिए, पॉलीकार्बोनेट का चॉकलेट मोल्ड है, फाइन डेकोर का प्रोडक्ट है। तो बेकर्स वेले और फाइन डेकोर ये दो ऐसे अच्छे कंपनी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स स्पेशली होम बेकर्स के लिए बनाते हैं, तो रेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये पॉलीकार्बोनेट का मोल्ड मेरे को बहुत पसंद है। इससे रिलेटेड चॉकलेट वीडियो जो कि आपको पहले भी बताया था मैंने, ये जो मोल्ड है इसे पीनट बटर मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये पॉलीकार्बोनेट का है, परफेक्ट फिनिशिंग मिलती है, बहुत ही अच्छे से चॉकलेट बाहर आते हैं। और आप सबके साथ लाइव क्लासेस आने वाली हैं तो आप मेंबरशिप फटाफट से ले लें, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय।